लॉकडाउन में हजारों जरूरतमंद लोगों को चेंबूर का गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह सभा रोजना 4000 को खिला रहे हैं फ्री में भोजन। कोरोना वायरस के कारण पूरे मुंबई शहर में लॉकडाउन चल रहा है, किसी को शहर के अंदर बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। वहीं मुंबई के चेंबूर वार्ड क्रमांक 155 के नगर सेवक श्रीकांत शेट्टे के नेतृत्व में चारों तरफ सभी ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है, जिसमें नगर सेवक श्रीकांत शेट्टे खुद मौजूद रहकर सभी को खाना बांट रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से कोई भूखा ना रहे, इसलिए चेंबूर कैंप का ये गुरुद्वारा रोज 4000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिला रहा है। वहीं इस अवसर पर नगर सेवक श्रीकांत शेट्टे ने गुरुद्वारा के सभी सदस्य व लोगों का आभार व्यक्त किया। नगर सेवक ने बताया कि हमसे जो भी मदद हो रही है, हम गुरुद्वारा को मदद कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जा सके। वहीं नगर सेवक श्रीकांत शेट्टे अपने वार्ड क्रमांक 155 में जरूरतमंद लोगों को घर चलाने के लिए राशन भी वितरण कर रहे हैं। ही वेळ आहे, ही वेळ आपण एक दुसऱ्याला सांभाळायची आहे। आपण जेवढं लोकांसाठी करतो त्या लोकांनी ते समजायला पाहिजे। जनतेशी मी आवाहन करतो की जे जे शासन निर्णय देतात ते शासन हे आपल्यासाठी निर्णय देतात, ते त्यांच्यासाठी देत नाही। जे काय घरात बसण्याचं जे आवाहन करतात ते ह्याच्यासाठी करतात की लोक मिक्स झाल्यामुळे आपण दुसऱ्या देशाचे काय हाल झालेले ते बघितलेले आहे। आपल्या देशातली परिस्थिती येऊ नये म्हणून शासन प्रत्येक वेळोवेळी लॉकडाऊन केल्यानंतर प्रत्येक वेळेस सांगतं की लॉकडाऊन म्हणजे घरात बसणं। जनतेला माझं एक आव्हान आहे, एक नम्र विनंती आहे की त्यांनी घरात बसून शासनाच्या आदेशाचं पालन करा, कारण जो कोरोना व्हायरस आहे तो आपल्या दारापर्यंत आलेला आहे, आपल्याला घरात घ्यायचा नाही आहे त्यांना। म्हणून जनतेस एक विनंती करतो की त्यांनी जेवढं घरात राहील तेवढ्या लवकर आपण या रोगावर मात करू। आणि माननीय मुख्यमंत्र्याने रेशनिंगसाठी आणि अन्नधान्यासाठी जे वाटप चालू केलेलं आहे त्या वाटपाचं शिस्तीत पालन करून सर्वांना पुरेल एवढं अन्नधान्य शासनाकडे आहे त्याचा पुरेपूर वापर करून घेऊन कुठल्याही प्रकारचं गोंधळ न करता। आणि खास करून दुकानदारांना माझी विनंती आहे की प्रत्येक दुकानदाराने टोकन सिस्टमने धान्य वाटप करावा, जेणेकरून तुमच्या इथे गोंधळ होणार नाही आणि प्रत्येकाला शिस्तीत धान्य मिळेल। जेवढं शिस्त पाळाल तेवढ्या सुलभ पद्धतीने अन्नधान्याचं वाटप होईल आणि शेवटच्या माणसापर्यंत अन्नधान्य वाटप होईल, शेवटच्या माणसापर्यंत अन्नधान्य पुरेल असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे। त्या आदेशाचं आपण पालन करावं एवढीच विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबकी सेवा करो, ये मान्यता की सेवा है, ये किसी की सेवा नहीं है। ये अभी सब मिलजुल के करेंगे तो सबका भला होगा। और जितना हो सकता है अपने लॉकडाउन में अंदर ही रह रहे हैं, तो बाहर इतना फैलाए मत। तो जो ये हम लोग सेवा करते हैं, ये हम अपने भगवान की तरफ से सेवा करते हैं कि हम हमारे गुरु हमको ये रास्ता दिखा के ये होंगे कि ये जो भी है हम लोग अपने कोई अपने धन के लिए नहीं करते, ये मानवता के लिए सेवा है। इसके लिए हम सबको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये सबकी सबका फर्ज बन रहा है कि सबके लिए ये एक जैसा सेवा करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम गरीबों की बहुत सेवा कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है सेवा करना। हम कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। ये हम अगर हम लोग को बोले घर में, घर में जाके इस तरह हम लोग घर में भी जाएंगे, लोगों को राशन तक पहुँचाएंगे। जो हमारे से हमारे जो गुरुद्वारे के प्रधान जी हैं ये हमारे साथ वो सहमत हैं और सारी कमेटी हमारे साथ लगी हुई है सेवा करने में। तो सुबह आते हैं हम लोग, रात को जाते हैं हम लोग, अपना घर त्याग, घर भी पूरा त्याग दिया है और गुरु सब गरीबों की सेवा में लगे हैं। बस हम लोग यही अरदास करते हैं कि जितना जल्दी होए एक कोरोना दूर होए, हम लोग यही अरदास करते हैं। सब अपने घर में खुशी रहें और बच्चों को अच्छा अच्छा खाने को मिले, सब जाएँ काम काज के जाएँ, क्योंकि बहुत बुरी हालत है। मैं यही अरदास करती है गुरुद्वारे में खड़ी होकर कि कोरोना का सब खत्म हो जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बिल्कुल, हम लोग गरीब के लिए जिनको ज़रूरत है हमारे गुरुद्वारे की तरफ से हमारे प्रधान जी जो सेवा कर रहे हैं, हमारी पूरी कमेटी है, हमारे पूरे लंगर के सेवादार भी हैं,
हम लोग सब मिलके जितना भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग सेवा करने तैयार करते हैं। नहीं, हम लोग अपने उसमें हम लोग पहले अपने जितने भी सेवादारों को हम लोग फोन पे कॉन्टेक्ट करते हैं, तभी हम इधर ऐसा किसी को बुलाते नहीं हैं। पूरे वो लोग नहा धो के आते हैं, उसके बाद पूरे हाथ पैर जितना भी है सैनिटाइजर किया जाता है और पूरे को अलग अलग ताकि ये इकट्ठे ना हो, अलग अलग करके हम तीनों को लोग जितने अलग अलग उनकी सेवा दी जाती है। तो तीनों जितने भी हम लोग जो लंगर बना रहे हैं, हमारे जितने भी सेवादार हैं, वो सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। हमें कोई कोई ऐसा ये नहीं कि हम इकट्ठे हो गए, हम सब अलग अलग हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जब से ये अपना महामारी शुरू हुआ है, 1 तारीख से पहले से यहाँ से लंगर चालू है। पहले 1000 आदमी का बनता था, अभी 5000 सुबह शाम आदमी का अपना वाशीना का चंबूर स्टेशन और अभी सिद्धार्थ कॉलोनी भी चालू हो जाएगा आज से। तो यहाँ पे इस कारण हमारा जितना सेवा आ रहा है, हम सब अपना कमेटी का मेंबर मिलके तो हम यहाँ पे सेवा करते हैं और वो यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनको सुबह शाम खाना पहुँचाया जाता है। हाँ जी, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, उन लोग उनका काम है जहाँ जहाँ उनका एरिया है चंबूर में, वहाँ पर जिन जिस जिसको ज़रूरत है खाने की, सही इन आदमियों को जो भी पब्लिक है उनको जिसको जिसको ज़रूरत है उनकी लिस्ट बनाई है उनके, तो यहाँ से जब खाना रेडी हो जाता है तो यहाँ से क्रेट लेके चले जाते हैं और अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे 3000 लोग का हमारा कैपेसिटी एक टाइम पे बना सकते हैं, जिस तरह से सेवा है 5000 का भी बना सकते हैं। काफ़ी हमारा एरिया जो जगह है काफ़ी बड़ी है, अभी तो 3 चूल्हे चल रहे हैं, 50-50 किलो के चावल डाल के 300 किलो के ऊपर हो जाता है जी। और इसके ज़्यादा भी अगर जैसे जैसे डिमांड होएगी, अच्छे जैसे सेवा आएगी, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा भी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे तो धर्म में कहा गया है कि मानस की जात सब एक ही पहचान वो, यानी कि सिख धर्म कोई भी मानस की जात है, सब एक ही है, सबकी सेवा करना हमारा फर्ज है।